नमस्कार, जेके के न्यूज की विशेष सुर्खियों में आपका स्वागत है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर, शहर में जगह जगह रहा चहल पहल का माहौल। नोएडा के फेस्टू में लालू पीर दरगाह व NSEZ के कालू पीर दरगाह पर बड़ी संख्या में नमाजियों ने ईद की नमाज अदा करके एक दूसरे के गले मिल अमन चैन व भाईचारे के सलामती की दुआ मांगी। कालू पीर दरगाह पर कादरिया फाउंडेशन ने गरीब लोगों को आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें कि कादरिया फाउंडेशन गरीब बेटियों की शादी में पहले से भी मदद करता आया है। पूरे रमजान में फेस्टू पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को देखकर नमाजियों ने फेस्टू पुलिस को भी धन्यवाद किया। हजरात, आज ईद उल फितर का दिन है जो बहुत मुबारक दिन है, जो हम सबको रमजान शरीफ के मुबारक महीने के बदले में रब तबारक व तआला ने अता किया। आज हम उसी को मनाने के लिए, उसी की नमाज अदा करने के लिए साबरी मस्जिद में तमामी हजरात तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह ईद की नमाज के बाद सारी दुनिया और ख़ास कर मुल्क हिंदुस्तान की सलामती के लिए दुआ की गई। और हम आज ईद के दिन यही पैगाम देना चाहते हैं कि आज जिस तरीके से हमने भाईचारे के साथ ईद उल फितर को मनाया, इसी तरीके से हर बार हम ईद उल फितर मनाते रहें और सारी दुनिया और मुल्क हिंदुस्तान के अपनी विरादत वतन के लिए हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि ये ईद का दिन अमन और शांति का दिन है। बिल्कुल बेशक बेशक। और हम आज के दिन अमन और शांति का पैगाम देना चाहते हैं कि हम जब तक इस दुनिया में जिए अमन और शांति का पैगाम देते हुए और अमन शांति के साथ जिए। और आज का दिन ऐसा दिन है कि जिस दिन गरीबों की हमें मदद करनी चाहिए, यतीमों की मदद करनी चाहिए, मिस्किनों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो लोग आज के दिन गरीबों की मदद करते हैं, मिस्किनों की मदद करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, असल ईद उन्हीं के लिए है। जो लोग गरीबों को अपनी ईद में शामिल करते हैं, ये ईद असल में उन्हीं के लिए है। सिर्फ नए कपड़े पहनने का नाम ईद नहीं, बल्कि गरीबों को अपने साथ मिलाकर ईद मनाने का काम ईद उल फितर है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मौला हम सबको इसी तरीके से ईद उल फितर मनाने की तौफीक अता फरमाए। और हम सारी दुनिया के लोगों को ये पैगाम देते हैं कि हम जिस तरीके से अमन शांति के साथ और ख़ास कर अपने विरादे वतन को ये पैगाम देते हैं कि जिस तरीके से आज हमने अमन शांति के साथ, सुकून के साथ ईद उल फितर को मनाया, आने वाले जिंदगी अगर रही तो फिर भी हम इसी तरीके से ईद उल फितर मनाते रहें। अस्सलामु अलैकुम। बहुत मोहब्बत के साथ अदा की और इंशाअल्लाह जब तक हम हयात रहेंगे इसी तरह अदा करते रहेंगे। ये अल्लाह का घर है और ये नमाजियों से आबाद होता है। किस आबाद होता है? नमाजियों से। और जब तक हम इसमें नमाज पढ़ते रहेंगे ये अल्लाह का घर हमेशा आबाद रहेगा। क्या रहेगा? हमेशा। और हमें इसको आबाद करने के लिए सब के लिए मेहनत करनी होगी। मेहनत क्या है? अल्लाह के घर में हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं। और इस मिंबर से, ये मिंबर जो है सरकार दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लम का मिंबर है और इस मिंबर से पूरा आलम के लिए हमें खिताब होता है कि पूरा आलम के अंदर अमन का पैगाम पहुंचाओ। क्या पहुंचाएं? अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, ताकि हम मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के त्यौहार में हम शरीक रहें। हैं, ये इस्लाम हमें सिखाता है। इस्लाम ने इस चीज़ की हमें दर्स दिया, सबक दिया कि सबक पढ़ सदाकत का, शजात का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इस्लाम का जो मजहब है वो ये है कि पूरा आलम के अंदर शांति अमन कायम करना। JKK न्यूज की और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें JKK न्यूज़।